जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं हस्तिनापुर के श्री कैलाश पर्वत दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हो रहे 15वें 48 दिवसीय श्री भक्तामर विधान एवं पाठ के मंगल दृश्य। पाठ के 15वें दिन सर्वप्रथम विधानाचार्य सुदीप शास्त्री ने मांगलिक मंत्रों से क्रियाओं का शुभारम्भ किया। आज स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य श्री मदन लाल मनीष पारस जैन मंगरौली शिवपुरी को प्राप्त हुआ। शांतिधारा का सौभाग्य श्री अरुण कुमार रविंद्र कुमार निर्मला कुमार शिव कुमार पद्मचंद शांतिलाल जिनेंद्र गौरव रचित सुभाष चंद सुलभ अंशुल आर्जव बनारसी दास संजय नीरज अभय राजकुमार संजीव अनमोल शांतिलाल वीरेंद्र प्रेमचंद नवीन मंगरौली शिवपुरी को प्राप्त हुआ। कम समस्त शांति धारा करने वाले श्री मदन लाल जी जैन मनीष जैन पारस जैन मगरौली अरुण कुमार जी जैन रविंद्र कुमार जी जैन धर्मेंद्र जैन वीर सेन जी जैन एवं श्री निर्मल कुमार जी जैन शिव कुमार जी जैन पदम चंद जी जैन अजित कुमार जी जैन श्री शांतिलाल जी जैन जिनेन्द्र जैन गौरव जैन अजित जैन नीता जैन मोनिका जैन सुभाष चंद जी जैन सुलभ जैन अंशुल जैन आर्जव जैन एवं श्री श्री बनारसी दास जी संजय जैन नीरज जैन श्री अभय जैन राजकुमार जी अनेकांत शिव जैन सपना जैन संजीव जैन अनमोल जैन शांतिलाल वीरेंद्र कुमार जी जैन मधु जैन प्रेमचंद जी जैन नवीन कुमार जी जैन नीता जैन गुंजन जैन शकुन जैन मीना जैन रत्ना जैन अनीता जैन श्री हेमलता जी जैन ममता जैन रुचि जैन रुणवी जैन इंद्रभूति जैन श्री चमनलता जी जैन अंजलि जैन मंजू जैन प्रेमबाई जैन एवं समस्त उपस्थित इंद्र परिवार से इंद्राणी परिवार से समस्त समाज से सीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थं सर्व विघ्न निवारणार्थं अष्टप्रातिहार्य मध्ये छत्रत्रयं निस्थापयामि। दीप प्रज्वलन शांतिलाल मनोज नमन मंगरौली ने किया। राय के लाडले मरुदेवी के लाल नाभिराय के लाडले मरुदेवी के लाल आए जग में आदि प्रभु नाचे बाल गोपाल आए जग में आदि प्रभु नाचे बाल। तदुपरांत भक्तामर विधान का शुभारंभ हुआ, जिसमें विधान कराने वाले सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के उज्जवल भविष्य के लिए 48 अर्घ्य चढ़ाए गए। आज 101 परिवारों की ओर से विधान का आयोजन कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से श्री सतीश संयम अंकुश निर्मल प्रियंका जैन नजफगढ़ दिल्ली नीता गुंजन शकुन मीना रचना अनीता हेमलता रूबी चमनलाल अंजलि मंजू जैन प्रेमबाई ममता रुचि इंदुमती जैन को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तामर पाठ का शुभारंभ श्री उमेश जैन ममता जैन गंधर्व जैन अनमोल नमन आयुषी जैन अरहम जैन कमला नगर मेरठ ने संस्कृत भाषा में किया। इसी बीच अनेक प्रांतों से पधारे हुए यात्री भाई एवं श्री हरनाम जैन चंद्रसेन जैन 13 पंथ परिवार कमल मूर्ति देवी बीके सेल्स फिलिंग स्टेशन के सिंगा श्री अरुण कुमार जैन गर्ग डुप्लेक्स मुजफ्फरनगर ने पाठ का वाचन किया।
विधान के मध्य विनोद एंड म्यूजिक पार्टी की मधुर लहरी पर चंचल जैन, मनोज जैन, कानपुर वाले हस्तिनापुर ने भजन प्रस्तुत किया, जिसको सुनकर सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। भारत भूषण मुनीय नमो नमः भारती समर्पित तीर्थ कमलों को दिला दो जीव का चरण अरविंद में मेरा मन से वचन से काय से अनंत वंदना पे नंद रूपामिति नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु 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 रीम अस्ति चत्वारि सत धन दानादि बकै क्लीन महाविजय सर सेंटाय हृदय स्थिताय आदिनाथ भगवान के चरणों में भक्तांबर विधान चल रहा है और सभी आप सभी भव्य जीव यहाँ पर इस विधान का आनंद ले रहे हैं। वास्तविक बात ये है कि हम जो यहाँ पर बैठ करके प्रतिदिन विधान करते हैं और भक्ति का आनंद लेते हैं, उस भक्ति का आनंद और श्रेष्ठ बढ़ जाता है जब हमें ये पता होता है कि आदिनाथ भगवान का स्वरूप क्या है। आदिनाथ भगवान क्या हैं और उन्होंने ऐसा क्या प्राप्त कर लिया है, उनके पास ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिसके कारण मेरे दादा, दादी, मम्मा, पापा और भी बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग यहाँ पर आकर के पूजा और आराधना करते हैं। हम तो सिर्फ यही सोचते हैं अपन लोग तो कि हमारे दादा दादी भगवान के चरणों में झुकते हैं, उनका आपसे पूजन पाठ करते हैं, मेरे मम्मी पापा भी, तो इसलिए हम भी आदिनाथ भगवान के चरण में जा करके पूजन पाठ करते हैं। और यदा कदा ये भी कह देते हैं मम्मी पापा वगैरह दादा दादी कि आदिनाथ भगवान के चरण में बैठ करके पूजा पाठ करने से बहुत सारा पुण्य मिलता है और हमारे जीवन के बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, इसलिए हम आदिनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके इस लोभ के कारण, इस भावना के कारण भक्तामर विधान पूजन उनकी जाप वगैरह करते हैं। शायद आपको पता नहीं है, जानते भी हैं बहुत लोग और जान करके भी कुछ लोग अज्ञान भी रह जाते हैं कि आदिनाथ भगवान ने क्या प्राप्त की है। आदिनाथ भगवान ने वो निराकुल दशा प्राप्त की है जिसके लिए हम तरसते हैं। वास्तविकता बात है कि हम या कोई भी व्यक्ति हो क्या चाहता है कि मुझे सुख हो और ऐसा सुख हो कि दुख का लेस ना हो, कंटिन्यूस सुखी सुख बना रहे। और ये भगवान कहते हैं कि संसार का सुख क्षणभंगुर है, सुख के फॉर्म में कभी नहीं रह सकता है, सुख के बाद दुख निश्चित है और दुख के बाद सुख निश्चित है, ना अधिक देर तक सुख टिक सकता है और ना ही अधिक देर तक दुख, क्योंकि जो परावलंबन से होता है वो सच्चा सुख नहीं होता, वो सच्चा सुख जैसा लगता है लेकिन वो वास्तव में इंद्रिय जनित सुख, आकुलता जनित सुख और क्षणिक सुख होता है, जल्दी नष्ट हो जाने वाला है। शाश्वत सुख तो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है और वो ही शाश्वत निराकुलता में सुख आदिनाथ भगवान ने प्राप्त किया है। ऐसा जान के समझ के अगर आदिनाथ भगवान की भक्ति करेंगे तो फिर तुम्हें कभी भी विकल्प नहीं उठेगा। जो सिर्फ संसार के सुख के लिए आदिनाथ भगवान की भक्ति किया करते हैं, तो देखो ऐसा आदिनाथ भगवान ने कहा है कि संसार सुख तो ज्यादा समय तक नहीं टिकता है, है ना, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ऐसा होता रहता है। तो जब दुख आता है तब आपके द्वारा लगता है बताओ मैंने तो भगवान की ऐसी पूजा की, कैलाश पर्वत के उस शिखर पर चढ़ करके, बताओ ऐसी ऐसी सर्दी में
मेरी तो ऐसी कभी कभी छूट गई थी, दांत भी कटकटाने लगे थे, मेरे पैरों की उंगलियां सोच सोच के ऐसा हो गया था जैसे कि वो क्या बोलते हैं, वो बर्गर हो गया हो, है ना, ऐसा सब कुछ होता है। और हमने तो इतनी भक्ति की फिर भी हमारा काम नहीं बना, बताओ। तो तुम्हारे अंतरंग में आदिनाथ भगवान के प्रति भक्ति कम होने लगती है। हाँ, जय जिनेन्द्र बंधुओं, आज यहाँ पर मुझे सपरिवार हस्तनापुर क्षेत्र पर आकर श्री कैलाश पर्वत मंदिर जी के अंदर श्री आदिनाथ भगवान के चरणों में दीदी जी के पावन सानिध्य में मुझे श्री भक्तांबर मंडल विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज ऐसा एक पावन अवसर भी है कि श्री पदम प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक भी, जिसकी मंगल आरती और निर्वाण लाडू समर्पित करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो निश्चित तौर पर ऐसे क्षेत्र पर आकर जहाँ पर वातावरण अपने आप में एक धर्ममय हो जाता है और पाप अपने आप कट जाते हैं, और जहाँ पर खुद भक्तांबर महामंडल विधान जो अपने आप में ऐसे मांगतुंग आचार्य की बेड़िया जिसने तोड़ दी, तो निश्चित तौर पर हमारे कर्मों की भी जो बंधन है वो तोड़ देगी। तो मैं पूरे भारतवर्ष में सभी से निवेदन करूँगा कि आप सभी यहाँ पर जरूर आएं और अपने परिवार के तरफ से, अपने पूरे समाज की ओर से कम एक दिन का विधान, जिसकी राशि मात्र यहाँ पर कुल 1200 रुपये रखी गई है, जो बिल्कुल एक नाम मात्र की राशि है, इस कमेटी की ओर से रखी गई है, तो आप जरूर यहाँ पर आएं और एक दिन का विधान अपने परिवार की ओर से जरूर जरूर कराएं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। करीब 100 यात्रियों को लेकर आए और हस्तनापुर पर अभिषेक किया, शांति धारा की, बड़ा ही आनंद आया। बड़े उल्लास से सबने अपनी अपनी बोलियां ली और भगवान के चरणों में शांति धारा की, हम सबको बहुत आनंद आया। आज इसी तरह के कार्यक्रम होते रहें। 48 दिवसीय भक्तांबर पाठ चल रहा है, उसमें शांति धारा की बोली ली और शांति धारा की इसके पश्चात हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मगरौनी से आए थे, कैलाश पर्वत पर ऊपर शामिल हुए, शांति धारा वगैरह की भक्तांबर विधान में सम्मिलित हुए। से जिला सुप्रीम मगरौनी से हम सामूहिक रूप से हस्तनापुर के लिए आए और यहाँ हमको बहुत अच्छा लगा। हम सुनीता दीदी के सानिध्य में भक्तांबर विधान चल रहा है, तो बस आनंद हमने भक्ति की। विधान का विसर्जन श्री वीनू जैन फरीदकोट ने किया। पंच परमेष्ठी की आरती का दीप प्रज्वलन श्री निर्मल जैन, श्री सतीश चंद जैन ने किया। आदिनाथ भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन श्री सुमत प्रकाश जैन हस्तनापुर गुरुकुल ने किया। 2400 भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन अखिलेश जैन मुजफ्फरनगर के द्वारा किया गया। आरती है जिन वर की, देखो अब सर महान करूं मैं आरती, प्रभु की आरती करूं मैं आरती, प्रभु की आरती। प्रथम आरती श्री जिन राजा, भवद दीपार उतार जी हाजा। दूजी आरती सीदन केरी, सुमरन करत मिटे भव फेरी। छम छम बाजे शरीर के मल को दूर करने के लिए स्नान जरूरी है। वैसे ही मन के मैल को, मन के पाप को दूर करने के लिए दान जरूरी है, और वह दान उमा स्वामी आचार्य की अपेक्षा अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह अर्थात स्वयं का भी उपकारक हो और दूसरे का भी उपकारक हो। प्रश्न मंच के पश्चात उपस्थित विजेताओं को श्रीमती कुसुम लता जैन, नरेंद्र जैन आर्यपुरा दिल्ली, श्री विपिन जैन नावले वाले दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की ओर से पुरस्कार प्रदत्त किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के अध्यक्ष श्री विनोद जैन दिल्ली, महामंत्री मुकेश जैन सर्राफ मेरठ,
कोषाध्यक्ष राजेंद्र जैन गैस वाले मवाना, सह संयोजक मोतीलाल जैन लंदन, श्री धन प्रकाश जैन गाजियाबाद, श्री अनिल जैन रुड़की, श्री कुणाल जैन तेल वाले सरधना, श्री नवीन जैन सराफ मेरठ शहर, मुकेश जैन, मनोज जैन, सुभाष जैन, राजीव जैन, प्रेम जैन आदि का सहयोग रहा। कल के प्रश्न का उत्तर है ए, एक। विजेता आर्यवीर जैन दिल्ली, बॉबी जैन रिवाड़ी, गौरी जैन बड़ौत। सांत्वना पुरस्कार श्वेता जैन पौंडिचेरी, सविता जैन रायपुर, सानवी जैन गुरुग्राम। आज का प्रश्न, इनमें से कौन से तीर्थंकर तीन पद के धारी थे? ए शांतिनाथ जी, बी कुंथुनाथ जी, सी अरनाथ जी, डी सभी।